हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल वर्कर निल रिटर्न कैसे फाइल करें। ये एक पीएफ की इम्पोर्टेंट कंप्लाइंस है जो एवरी मंथ करनी होती है, जिसकी ड्यू डेट होती है 15th ऑफ एवरी मंथ। जैसे हमें पीएफ के चालान फाइल करने होते हैं 15th ऑफ एवरी मंथ, वैसे ही हमें इंटरनेशनल वर्कर की रिटर्न भी फाइल करनी होती है 15th ऑफ एवरी मंथ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा गूगल में। गूगल में हमें टाइप करना है EPFO। उसके बाद सबसे पहला लिंक ओपन होके आएगा www.epfindia.gov.in, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आपके सामने आएगा। जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में आपको ऑप्शन दिखेगा इंटरनेशनल वर्कर पोर्टल, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं कैप्चा डालता हूँ। इसका कोई अलग से कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होता है दोस्तों, ये वही यूजर आईडी पासवर्ड होता है जिससे हम अपना पीएफ में लॉग इन करते हैं। उसके बाद हम लॉग इन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। हमें सेलेक्ट करना है IWU मंथली रिटर्न। यहाँ पे हमें सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है निल रिटर्न फाइलिंग, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फाइल निल रिटर्न फॉर मंथ ऑफ यहाँ पे डालना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैं अभी अक्टूबर की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, बट मैं अभी मंथ कौन सा सिलेक्ट करूंगा, मैं मंथ सिलेक्ट करूंगा नवंबर, तो हमें इसमें करंट मंथ सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे अपलोडेड बाय, यहाँ पे जो हमारे सिग्नेटरी अथॉरिटी है उसका यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस, जैसे यहाँ पे आप देखोगे निल रिटर्न फाइलिंग हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, प्लीज अप्रूव्ड फ्रॉम रिटर्न पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो ये हमारी रिटर्न फाइल हो गई है बट अभी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, तो हमें फिर से यहीं पे क्लिक करना होगा मंथ रिटर्न पे। फिर उसके बाद हमें रिटर्न पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे अप्रूवल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अप्रूव रिजेक्ट दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूं। अप्रूव करने के बाद यहां पे आपको आपके एस्टेब्लिशमेंट का नाम, एड्रेस, एस्टेब्लिशमेंट कोड ये दिखेगा। कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आएगा। एक यहां पे बिल्कुल कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिखेगा जनरेट पीडीएफ, उस पर आपको क्लिक करना है। जनरेट पीडीएफ करने के बाद यहाँ पे आपको IW1 रिटर्न पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपको सिलेक्ट सिनेटी पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी का एक ऑप्शन आता है, तो उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपका एस्टेब्लिशमेंट में लिंक है। तो ओटीपी डालने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी इंटरनेशनल वर्कर की रिटर्न अप्रूव हो जाएगी और ये आपका जो पीडीएफ है कुछ इस टाइप का, ये पीडीएफ है, इसमें लिखा हुआ फॉर्मेट फॉर ऑनलाइन IW1 मंथली रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे आपका एस्टेब्लिशमेंट का नाम रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट कोड रहेगा। ये आपको अपने पास रखना है क्योंकि जब मंथली कंप्लाइंस जब ऑडिट होता है तो उस टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज ऑन डेट 31st अक्टूबर 21, ये 30 अक्टूबर की रिटर्न है जो हम नवंबर में हमने जो फाइल की है, तो इसको आपको अपने पास सेव करके रखना है दोस्तों, क्योंकि जब भी आपकी ऑडिट होती है तो ऑडिटर आपसे ये मांग सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।